तो डेफिनेटली आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए। लेकिन अगर वो हॉल में मौजूद नहीं है, जिस तरह हमारे चेयरमैन साहब मौजूद नहीं है, तो इनको चीखने चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनका कोई हक नहीं बनता चीखने चिल्लाने का। अगर इनके पास कोई रूल है तो वो रूल हमें पेश करें। और अगर इनके पास ये कि भाई चेयरमैन साहब या डिप्टी चेयरमैन साहब इस वक्त हॉल में मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी उनको बुलाया जाए, उनको बुलाकर यहाँ चेयर करवाया जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग एक प्रॉपर तरीके से इस हाउस को चला रहे हैं। अगर आपको चेयरमैन साहब ने ये जिम्मेदारी दी है तो ये किस रूल के तहत आप पर एतराज कर रहे हैं? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी वो रूल बता दें हमें, उस रूल के तहत ये चीखें चिल्लाएं जो इनको हक दे रहा है। अगर इनके पास वो रूल नहीं है और सिर्फ पिछले हुकूमतों की तरह सिर्फ चीखना चिल्लाना रोना धोना है, तो बड़े अफसोस की बात है इनके लिए। जी नासिर भट्ट साहब, नासिर भट्ट साहब को माइक दीजिए। नासिर भट्ट साहब, मेरा माइक आप खोल दें प्लीज। जी बोलिए, आप बोलिए। मुझे इजाजत है बात करने की? अभी कल हमें सेक्रेटरी सेनेट साहब ने बड़े रूल बताए उधर कि ऐसे बदतमीज लोग जब आए तो इनको आप या तो थोड़ा सा इजी छोड़ दें या आराम करें। आप ये देखें क्या कर रहे हैं, इनको कुछ चाहिए, इनको कुछ चाहिए तो इनको इनसे पूछें कि आप आराम से क्यों नहीं बैठते। आप चार बंदे, क्या चाहिए आपको बताएं? कुर्सी पे बैठना है? किसने कुर्सी पे बैठना है उसका नाम बताएं। आपको चाहिए क्या? ये आपने अगर इधर आना है तो आए हमारे साथ बैठे जी। ये इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको सिर्फ शोर चाहिए। और आपने कुर्सी नहीं छोड़नी है, हम आपके साथ खड़े हैं। आ गए जिस काम पे माहिर। तलाल चौधरी साहब, चोर ये है, चेयरपर्सन मैं हाउस चलेगा आपने मुकर्रा वक्त तक। जी बोलिए। मैं तो शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि इनकी असलियत देख ले। मैं तो शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ अपोजिशन लीडर का और पीटीआई का कि जिनको नून लीग के डिप्टी चेयरमैन से इतनी मोहब्बत है और इन्हें सिर्फ एहतजाज करना होता है, कोई मौका नहीं देखते, कोई रूल्स नहीं देखते, क्योंकि इजलास बहुत दिनों बाद हुआ है, एहतजाज एक करना है और सिर्फ गैलरी से खेलना है। शुक्रिया। The House stands adjourned to meet again on Monday, the 10th June 2024 at 5 p.m. Shukriya. Senator Ganesh Bhai.